आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे बीएड में, जो एग्जामिनेशन होता है फाइनल एग्जामिनेशन, उसका जो पेपर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये पेपर आपको दिखेंगे जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन की, जिसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर ये 3 होगा। अभी मेरे पास जो पेपर उपलब्ध है उन सारे चीज का मैं ये इसमें बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। ये पेपर आप कह ले तो पेपर ये 3 होगा, यानी लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग, टीचिंग का ये पेपर है जिसमें हम बात करेंगे कि किस किस क्वेश्चन के थ्रू पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन आया था। 2020 का ये क्वेश्चन होगा जिसमें हम बात करेंगे सारे क्वेश्चन को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। तो पहला क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से निकल के आया था, देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट यहां था, और इसमें पूछा गया था कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। कह रहा है कि बिहेवियर में चेंज करता है परमानेंटली ड्यू टू एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। किसके थ्रू? तो एक्सपीरियंस, अनुभव और ट्रेनिंग के थ्रू। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इस क्वेश्चन का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे ब्लॉग वेबसाइट एवरीथिंग EVERYTHING एवरीथिंग अभिषेक ABHISSEK.BLOGSPOT.COM ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी आप एवरीथिंग अभिषेक सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल। आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन का, अगर हम हिंदी में देखेंगे देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो आपका नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने पर यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो पेन ये देखिए यहाँ पर कहा गया था, ये क्वेश्चन कहा गया ये लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और पेन ले लेते हैं पेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे कि अधिगम अनुभव अथवा प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाला व्यवहार में सापेक्षिक परिवर्तन है। इस कथन के आलोक में अधिगम की अवधारणा एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सेकंड क्वेश्चन अंतर्गत आ रहा था यूनिट फर्स्ट के थ्रू कि डिस्कस द ट्रायल एंड एरर मेथड, एरर थ्योरी पूछा जा रहा है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये कह रहा था कि अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ये वीडियो मैं बना चुका हूँ जो कि अधिगम का जो प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर चाहिए तो मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिए। पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में आपको इस नाम से क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर हेडिंग मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 2 से निकल के आ रहा था कि सब्जेक्ट मैटर लर्निंग मटेरियल एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है कि विषय वस्तु, अधिगम सामग्री एवं उपयुक्त शिक्षण विधि प्रभावशाली अधिगम हेतु आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए। पूछा जा रहा था इसमें क्या, तो विषय वस्तु, अधिगम सामग्री एवं उपयुक्त शिक्षण विधि प्रभावशाली अधिगम हेतु उपलब्ध हेतु आवश्यक है। किस तरीके से आवश्यक है, क्या क्या? तो विषय वस्तु, अधिगम सामग्री, उपयुक्त शिक्षण विधि, प्रभावशाली अधिगम हेतु किस तरीके से आवश्यकता है, इसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया था थर्ड क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स लर्निंग, डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कह रहा था कि मोटिवेशनल हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट, किस तरीके से प्रभाव डालता है अभिप्रेरणा व्यक्ति के सीखने पर, अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष प्रभाव किस तरीके से होता है, इस पर चर्चा करने के लिए, वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। यानी यूनिट 3 से क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के अंतर्गत। ये पेपर आ रहा है जो पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए है, ये क्या है तो फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट वाले जो ईयर वाले जो स्टूडेंट है बीएड के उनके लिए ये क्वेश्चन है।
पेपर थ्री से आ रहा है, लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का नाम है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज LMNU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का है, जो कि कई सारे यूनिवर्सिटी से भी क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। तो आप कृपया करके, क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं दूसरे यूनिवर्सिटी का, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयारी करके निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन के तौर पे निकल के आ रहा था कि डिफाइन टीचिंग डिस्क्राइब इन डिटेल्स, कह रहा है कि डिफाइन करने के लिए किसको, तो टीचिंग को, एंड डिस्क्राइब इन डिटेल्स में कह रहा है इन द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग, ये कह रहा था पांचवा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को जब हम हिंदी में देखते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे मुझे जाना होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा सा मैं इसको पेन ले लेता हूँ जो कि समझाने में अच्छा होगा। यहाँ देख सकते हैं उसी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन का हिंदी में लिखा गया यहाँ पे कि शिक्षण को परिभाषित कीजिए, क्या कीजिए, तो शिक्षण को परिभाषित कीजिए, शिक्षण क्या है इसकी परिभाषा लिखने के लिए बोला जा रहा है, और कहा जा रहा है कि शिक्षण के विभिन्न तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, शिक्षण के विभिन्न तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखिए, उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे इस चैनल पे। यहाँ देख सकते हैं व्हाट डज प्रोफिशियंसी इन टीचिंग मीन्स, पूछ रहा है कि प्रोफिशियंसी किस तरीके से टीचिंग में काम आते हैं, इस बात को कहा गया है इसमें, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है, मींस पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मींस पूछा जा रहा है। आगे इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन, कहा जा रहा है क्या, तो एक्सप्लेन जनरल एंड सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल एंड इन, देख सकते हैं कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड इन टीचिंग, कह रहा है इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखते हैं तो कहा जा रहा है कि शिक्षण में प्रवीणता का क्या अर्थ है। अगर आप शिक्षण में प्रवीणता को दर्शाते हैं तो आप किस तरीके से दर्शा सकते हैं, उसका अर्थ समझाने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि शिक्षण में आवश्यक सामान्य एवं विषयगत कौशल एवं दक्षता की व्याख्या कीजिए, कहा जा रहा है कि शिक्षण में प्रवीणता का अर्थ को समझाइए, शिक्षण में आवश्यक सामान्य विषयगत कौशल एवं दक्षता की व्याख्या कीजिए, इन सारे बातों को डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है यूनिट फोर से, कहा जा रहा है कि डिस्कस द टीचर रोल एंड फंक्शन इन द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, कह रहा है प्री एक्टिव फेज में किस तरीके का फंक्शन होता है टीचर के थ्रू, किस तरीके की भूमिका होती है टीचर का, ये सारे बात को डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। कि शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या होता है, तो इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पे, आपको इसी सब्जेक्ट का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बनाया गया है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे प्री एक्टिव फेज करके क्या होता है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है कि शिक्षण में पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा कीजिए, क्या कीजिए, तो कार्यों की चर्चा कीजिए, इसके बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पे उसी क्वेश्चन के अंतर्गत के डिस्क्राइब द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के जो क्या मेरिट है, डिमेरिट है या फिर लिमिटेशन उसका कितना तक होता है, इसके आगे हम क्या क्या कर सकते हैं उसके थ्रू, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, ये सारे बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसी को अगर हिंदी में देखें तो परियोजना आधारित अधिगम क्या होता है, परियोजना आधारित अधिगम के गुण एवं सीमाओं को वर्णन करें। अब सीमाओं को क्या कह सकते हैं, तो सीमाओं के बारे में समझेंगे, तो सीमाओं को आप इसके दोष के बारे में बता सकते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू हम ये चीज नहीं कर पा सकते हैं, यहाँ तक इसकी सीमाएं हैं, इसके आगे हम प्रोजेक्ट मेथड पर कुछ नहीं कर सकते, ये चीज आप समझा सकते हैं इस सीमाओं में, इसी चार पांच पॉइंट को आप दर्शा सकते हैं। अगर नहीं होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 2021 का, मैं बताना चाहूंगा 2021 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ ही दिनों में मेरे चैनल पे या फिर मेरे ब्लॉग पे, दोनों जगह पे आपको मिल जाएंगे, पब्लिश कर दिए जाएंगे कुछ ही दिनों में, तो मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे।
आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी जो एग्जामिनेशन डेट है, आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, फाइनल एग्जामिनेशन, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उससे पहले आपको डालने की कोशिश करूंगा। अधिकतर जो बच्चे होंगे जिनका एग्जामिनेशन एक ही डेट में या फिर उससे लगता हुआ पड़ेगा, तो मुझे उस डेट के से पहले मैं क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे सब्जेक्ट का, तो वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जिस सब्जेक्ट का चाहिए आपको क्वेश्चन, वो मुझे बता दीजिए, मैं आपको डाल दूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे 9वां क्वेश्चन यूनिट 5 से निकल के आ रहा था कि इवैल्यूएशन ऑफ पीपुल्स, इवैल्यूएशन ऑफ पीपुल्स लर्निंग इज द मेन पर्पस ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज। क्या कह रहा है, तो इवैल्यूएशन ऑफ पीपुल्स लर्निंग इज द मेन पर्पस ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, डिस्कस करने के लिए कह रहा है इसी क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट में देखेंगे इसी क्वेश्चन का हिंदी, हिंदी देखेंगे तो यहाँ पर निकल के आता है, आपको सबसे पहले हमें पेन लेना होगा, तो ले लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कहा जा रहा है क्या, तो छात्रों, क्या जा रहा है क्या, तो छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करना शिक्षण के पार्श्व क्रियात्मक अवस्था का मुख्य उद्देश्य है, चर्चा कीजिए। कहा जा रहा है कि छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करना शिक्षण के पार्श्व क्रियात्मक अवस्था का मुख्य उद्देश्य है, इसको चर्चा करके आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि राइट द शॉर्ट नोट एनी टू फॉलोइंग, यहाँ पर नीचे दिए गए सारे को शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जा रहा है, टिप्पणियां लिखने के लिए कह रहा है, संक्षिप्त टिप्पणियां। तो विवाद मेथड क्या होता है इसके बारे में लिखना है, जैसे डिबेट जिसको बोलते हैं। और उसके बाद बी में पूछा जा रहा है री इन्फोर्समेंट, इसको बोलते हैं पुनर्बलन, जैसे हम किसी बच्चे को कोई भी सवाल बनाने पे शाबाशी जिसको बोलते हैं, शाबाशी देते हैं, तो ये कहलाता है क्या, तो री इन्फोर्समेंट कहलाता है। या फिर पुरस्कार, क्या कहलाता है, पुरस्कार, कहलाता है, तो ये कहलाता है पुनर्बलन, कहलाता है पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो आ रहा है पॉइंट की रोल प्ले मेथड, भूमिका निर्वाहन विधि। रोल प्ले मेथड क्या होता है, किसी भी चीज को लेकर के हम समझा रहे होते हैं किसी भी सॉल्व को, जैसे ये मुझे मेरा ब्रीत है, मैथ में लेते हैं, और इसको कहते हैं कि ये ब्रीत है और ये मेरा ये जो है क्या है, तो त्रिज्या है। तो इसको अगर समझाते हैं तो रोल प्ले मेथड में इस तरीके से समझा सकते हैं आप, जैसे ये गोलाकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, एक घोड़ा है जो कि बीच में खुटी से बंधा हुआ है, वो कितने दूर का घास चर पाएगा। तो इस तरीके के जो रोल प्ले मेथड से हम समझाते हैं रोल को प्ले करके, तो ये कहलाता है रोल प्ले मेथड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको टिप्पणी। उसके बाद आता है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, किसी भी चीज को लेकर के उसका क्या प्रतिपुष्टि रहा, उसका क्या विचार रहा, वो क्या समझा, ये सारे बात निकल के आता है जब हम फीडबैक को समझा रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो कि 2020 में पूछा गया था, फर्स्ट ईयर का है ना, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था, 2020 में पूछा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।